दोस्तों, इस दुनिया में जब भी कोई आविष्कार होता है तो उससे पहले कई सालों की मेहनत और इन्वेंटर की एक सटीक डायरेक्शन लगी हुई होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कई ऐसे आविष्कार भी हुए हैं जो ऐसे ही बिना किसी डायरेक्शन के हो गए? ना, मैं इस इंसान की बात कतई नहीं कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन सारे ही इन्वेंशंस ने इस पूरी दुनिया में कतई बवाल सा मचा रखा है? नंबर वन, कोका कोला। दोस्तों, सरदर्द की दवा बनाने के लिए एक फार्मासिस्ट ने कोला नट और कोला के पत्तों का इस्तेमाल किया। अब जब वो इन दोनों के संग एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने इन दोनों को ही कार्बोनेटेड वाटर में डाल दिया और परिणाम स्वरूप कोका कोला हमारे सामने आई। इसमें कोला होने के कारण ही इस ड्रिंक का नाम कोका कोला पड़ गया। अब यूं तो इसका आविष्कार जॉन रेबर्टन नामक एक फार्मासिस्ट ने किया था, लेकिन आज भी इसका फॉर्मूला बहुत ही संभाल के रखा गया है। दोस्तों, हमारी कोई भी सेलिब्रेशन जब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती जब तक हम जी भर के पटाखे ना फोड़ लें, नहीं तो यार अंदर से कतई चुनमुने से काटते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चुन मिटाऊ प्रोडक्ट का आविष्कार भी एक धोखे से हुआ था? इसे चीन में आज से लगभग 2000 साल पहले बनाया गया था। एक कुक अपने फालतू समय में अपने घर में कुछ इन्वेंट करने की अपनी खुजली को दूर कर रहा था और उसने चारकोल, सल्फर और सॉल्ट पैटर को मिलाकर एक बांस की नली में डाल दिया। बांस की नली में इस मिक्सचर को डालते ही एक विस्फोट हुआ जिससे उस चाइनीज नूडल के घर का पूरा बेसमेंट ही उड़ गया। और इस तरीके से पटाखे, ये नहीं यार, पटाखे, हाँ, इसका आविष्कार हुआ। दोस्तों, एक बार एक भुक्कड़ कस्टमर जॉर्ज क्रम के पास आता है जो कि उस समय एक रेस्टोरेंट के शेफ थे और उसने जॉर्ज क्रम से फ्राइड पोटैटोज मांगे। लेकिन जब उसको फ्राइड पोटैटो दिए गए तो उन्होंने ये कहकर इसे वापस कर दिया कि यह ड्राई और क्रंची बिल्कुल भी नहीं है। क्रंची समझते हो ना आप लोग, वो यार जब तोड़ते हैं तो चुटर चुटर की आवाजें आती हैं, वही क्रंची। अब उस बहरन कस्टमर से परेशान होकर जॉर्ज ने सारे ही आलू को बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस में काट कर फ्राई कर दिया और फिर उसमें हल्का सा नमक डालकर उस कस्टमर के आगे पेश कर दिया। और जॉर्ज की उम्मीदों से बिल्कुल उलट, कस्टमर को ये नई डिश बहुत ज्यादा पसंद आई। धीरे धीरे जॉर्ज की इस नई डिश की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ने लगी जैसे कुछ समय पहले इंडिया में जियो सिम की डिमांड बढ़ी थी। नंबर फोर, माइक्रोवेव ओवन। दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन उस गर्लफ्रेंड की तरह होती है जो बिना किसी बात के एवं एंठ में गर्म रहती है। हाँ, सिर्फ फर्क इतना है कि ये वाली गर्लफ्रेंड 24 घंटे तुम्हारी किचन में रहती है। खैर, क्या आप जानते हैं कि आपकी इस गर्लफ्रेंड का आविष्कार भी धोखे से हुआ था? दरअसल 1945 में पर्सी स्पेंसर रेथियन कॉर्पोरेशन की रिसर्च करते समय मैग्नेटॉन नाम की एक नई वैक्यूम ट्यूब के साथ प्रयोग कर रहे थे, तभी उनकी जेब में रखी कैंडी बार बार पिघलने लगी। पिघल जाने दो, सिर्फ कैंडी को ही पिघलने दो, तुम एक सख्त लड़के हो, तुम नहीं पिघल सकते। उसके बाद तो मानो उनकी चुल सातवें आसमान पर पहुंच गई। और इसके बाद उन्होंने पॉपकॉर्न के संग एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये देखा कि पॉपकॉर्न भी पुटुक पुटुक करके फूटने लगे। और उसके बाद रेतियान ने 1947 में पहला माइक्रोवेव ओवन का निर्माण किया। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि यह जह लंबा था, यानी कि बहुत ज्यादा लंबा था। लेकिन समय के साथ चीजें छोटी होती गईं और आज माइक्रोवेव ओवन आपकी किचन की शान बढ़ा रहा है। नंबर 5, मैच बॉक्स। दोस्तों, माचिस के आविष्कार का श्रेय जॉन वॉकर को जाता है। जॉन वॉकर एक फार्मासिस्ट थे और एक बार वो लकड़ी की बनी हुई स्टिक पर दवाइयां बनाने के लिए केमिकल लगा रहे थे। इसी दौरान कुछ केमिकल स्टिक पर चिपक गए और उनको हटाने के लिए घिसने पर उस स्टिक में आग लग गई और इसी घिसम घिसाई की वजह से जॉन की अंधकार भरी जिंदगी में उजाले की चमक आई और एक मैं हूं जो पिछले 2 सालों से इसी प्लेटफॉर्म पर रोज घिसा रहा हूं लेकिन आज तक उजाला नहीं आया। हाँ, बस यही उजाला रह गया है जिंदगी में। नंबर 6, प्लास्टिक। दोस्तों, 20वीं सदी के शुरुआती दिनों में सामानों को रखने के लिए शैलाक नाम के एक मटेरियल का यूज किया जाता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत महंगा होता था और इस समस्या का हल निकालने के लिए एक केमिस्ट लियो हेंग्रिक ने कुछ देर धनाधन एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक ऐसे मटेरियल का आविष्कार किया जो ज्यादा टेम्परेचर पर पिघल सकता था और इसे किसी भी शेप और आकार में ढाला जा सकता था और इस तरीके से दुनिया में प्लास्टिक का आविष्कार हुआ। नंबर 7, एक्सरे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक्सरे का आविष्कार भी धोखे से हुआ था? दरअसल एक भौतिक विज्ञानी जिसको पूरी तरीके से सनकी माना जाता था, उन्होंने धोखे से ही एक्सरे का आविष्कार कर डाला था। दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार दरअसल विलहेम कॉनराड, यार देखो बहुत ज्यादा ट्राई किया मैंने पर ये नाम अपनी समझ से ऊपर निकल रहा है, मैंने यहां लिख दिया है। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन भाई की भावनाएं समझ लो, इसी आदमी ने किया था।
वो एक कैथोडिक रेस ट्यूब बनाना चाह रहे थे और इसी दौरान जब लाइट चमक रही थी तभी उन्होंने देखा कि एक नॉन ट्रांसपेरेंट शीट होने के बावजूद नीचे रखा पेपर दिखाई दे रहा है और वो हैरत से देखने लगे कि ये मैंने कैसा कांड कर दिया। और इसी तरीके से एक्सरे का आविष्कार हुआ। 1895 में विल्हेम ने गलती से अपना हाथ इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर रख दिया। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ की एक इमेज फोटोग्राफिक प्लेट पर बनी पाई। हाँ, वही काली शीट जिसमें कुपोषण रोगी जैसे वो सफेद सफेद हाथ दिखते हैं। इसके बाद उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक बीम से होने वाली रेडिएशन ठोस वस्तुओं के आर पार जा सकती है और यह उनकी परछाई छोड़ जाती है और इस तरीके से दुनिया को एक्सरे की सौगात मिली। नंबर 8, वेल ग्रो। दोस्तों, एक बार एक स्विस इंजीनियर जॉर्ज जी मैस्ट्रल ने यह देखा कि उनकी पैंट से कुछ बीज चुपके हुए हैं। इसके बाद उन्होंने देखा कि ये बीज हर किसी चीज से आसानी से चिपक जाते हैं, जैसे ये यूट्यूब से कतई चिपके पड़े हैं। लेकिन मैं अभी ठंड से ठिठुर रहा हूँ, ठंड बहुत है। खैर, ऐसे में उन्होंने आर्टिफिशियल वेलग्रो का निर्माण किया और परिणाम स्वरूप वेलवेट और कॉर्टुनेट के कॉम्बिनेशन से एक वेलग्रो बना। और अब हम सब वीडियो के उस दौर में आ चुके हैं कि आप सब लोगों को अपना अपना दिल सख्त करना होगा, क्योंकि अब आपको वीडियो को लाइक करना है। तो इस वीडियो को लाइक ठोको, शेयर ठोको और कमेंट क्यों नहीं करते हो, करो कमेंट, एक से एक बेहतरीन कमेंट ठोको। और जाते जाते ये बोलूंगा कि अगर जिंदगी में कोई परेशानी है तो उसे भी ठोक दो यार।